अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री देखेंगे। मोर देन 200 ईयर्स अगो different chemists thought that compounds are of two types. दो तरह के होते हैं compounds, एक organic compounds और दूसरे inorganic compounds. और ये दोनों compounds की बुनियाद और इनकी types दो वजूहात की बिना पर रखी गई, एक origin की बुनियाद पर और दूसरा properties की बुनियाद पर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखें तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो लिविंग सोर्सेज से हासिल किए जाते हैं, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जितने भी एसिड्स हैं लाइक एसिटिक एसिड, प्रोटीन्स वगैरह या यूरिया, ये सब ऑर्गेनिक नेचर के हैं। इसके बरक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो नॉन लिविंग सोर्सेज से हासिल किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिनरल सोर्सेज लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे इथेन कहते हैं। इसमें दो कार्बन एटम्स मौजूद हैं, हर कार्बन एटम चार बॉन्ड बनाती है, लाइक आप इस वक्त देख सकते हैं, और ये चारों के चारों कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, एक दो तीन और चार। साइंटिस्ट का बिलीव था कि ये जो कार्बन और कार्बन के दरमियान पाए जाने वाली फोर्स है, ये फोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एक स्पेशल टाइप की होती है, जिसे वो वाइटल फोर्स का नाम देते थे। और उनका ये बिलीव था कि ये वाइटल फोर्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद नहीं होती, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग थिंग्स में नेचुरली पाए जाते हैं, और उनमें ख़ास किस्म की जो फोर्स है वाइटल फोर्स, ये हम खुद क्रिएट नहीं कर सकते। यहाँ से एक थ्योरी जनरेट हुई जो हम आगे चलकर देखते हैं, जिसका नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी इज़ बेसिकली आप बिलीव बाय द साइंटिस्ट that some vital force is present in the living organisms is involved in the formation of organic compounds and therefore these compounds could not be prepared in the laboratory from inorganic materials. This theory was called vital force theory. Scientists ka manna tha ki khas kisam ki force sirf aur sirf living things mein maujood hoti hai, jiski badolat उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरेट होते हैं, और ये कंपाउंड्स ना तो हम लैब में बना सकते हैं और ना ही उन्हें इनऑर्गेनिक सोर्सेज से हासिल किया जा सकता है। ये था वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट। फिर 1828 के अंदर एक जर्मन साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक होलर, जिन्होंने पहली दफ़ा लेबॉरट्री के अंदर पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया के नाम से जनरेट किया। यूरिया बेसिकली फ्रेडरिक ने मैमल्स के वेस्ट यूरिन में से हासिल किया, फ्रॉम अ सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक नेचर, अमोनियम साइनेट। ये एक ऐसा कंपाउंड था जो मिनरल ऑरिजन का था, इनऑर्गेनिक नेचर का कंपाउंड था अमोनियम साइनेट, जिसका फार्मूला आप देख सकते हैं NH4CNO, और ये कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनिक नेचर के कंपाउंड में जिसे यूरिया कहते हैं, जिसका फार्मूला है NH2 2CO। फ्रेडरिक होलर के यूरिया की सिंथेसिस के बाद वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट डिसॉल्व हो गया। वो सोच जो काफ़ी टाइम से चली आ रही थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जनरेट नहीं किया जा सकता और हम इसे लैब में क्रिएट नहीं कर सकते, ये कॉन्सेप्ट डिसॉल्व हो गया। होलर वर्क की इम्पोर्टेंस की बात करें,
After the preparation of urea in the laboratory, Wöhler proved the non-existence of vital force in organic compounds, and these can be prepared in the laboratory. Further, urea ki synthesis ke baad, Wöhler ke contribution ki badolat, bahut sare scientists different kism ke organic compounds laboratories mein prepare karna shuru ho gaye. Aur is tarah large number of organic compounds ki preparation shuru ho gayi. By now, millions and millions of organic compounds have been prepared in the laboratory. Organic compounds ki preparation ke saath saath iska analysis kiya gaya to pata chala ki jitne bhi organic compounds hain unke andar ek basic backbone ka kirdar nibhane wala ek element hai jiska naam hai carbon jo tamam organic compounds ka hissa hota hai aur uske saath ek aur essential element bhi maujood hota hai जिसे हाइड्रोजन कहते हैं. तमाम वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो वो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और एलिमेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद थे, लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हैलोजन्स. यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नई तर्ज से डिफाइन किया गया. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं. हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हों, एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. डेरिवेटिव से मुराद ये है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आप कार्बन हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसी भी न्यू एलिमेंट से, लाइक नाइट्रोजन लगा दें, कोई हैलोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन का इस्तेमाल कर लें, तो वो उसी का डिराइव शुदा होगा. तो इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया गया. इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनमें कार्बन तो मौजूद थी लेकिन उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फहरिस्त में नहीं रखा गया ड्यू टू दी हिस्टोरिकल रीजंस, और उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से डिवाइज किया गया. उसकी वजह बेसिकली ये थी कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स थे जो कार्बन रखने के बावजूद इनऑर्गेनिक नेचर के थे, ऑर्गेनिक नेचर के नहीं थे, क्योंकि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ज़्यादा मिलती थी. इसीलिए उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्लेस किया गया, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड बायकार्बोनेट्स. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. Best of luck.